आज का आज का आज का आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो है कुछ खास लोगों के ऊपर रिएक्ट। तो चलो वीडियो को करते हैं इंटरेस्टिंग के साथ। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वहां पे जल्दी से जाके मैगी फेंक के मारो और एक घंटा होगा उसको दबा दो। तो चलो वीडियो को करते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ जानने मिलेगा जो कि वीडियो से भी ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं लिविंग 24 आवर्स इन कार चैलेंज। सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, लेकिन थोड़ा लेट हो गया हम। अभी देखो, गुड मॉर्निंग, मेरे पास आज नाश्ते में है, देखो एक ढेर सारा बिस्कुट, मैं इसको खाऊंगा और इसको कुनाली भी खाएगी। इसको मेरा मम्मी ने बनाई, बहुत प्यार से बनाई। चलो मैं इसको खाता हूँ, बहुत टेस्टी है। तो आज हम लोग चैलेंज करने वाले हैं, चैलेंज है 24 घंटा पदोनी चैलेंज। तो आप देखते हैं पदोनी चैलेंज में कौन जीतता है, लास्ट तक ये चैलेंज चलेगा। 12 बजने वाले हैं, 12 बजे से ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, उसके बाद चलते हैं गाड़ी में तीनों भाई। थोड़ा लेट हो गया यार, दिक्कत ये सुबह अगर सुबह सुबह जाते ना 6-7 बजे लेकिन लेट हो गए। अब 12 बजे मान लो जाएंगे हम, तो 12 बजे तक हमको रहना पड़ेगा, कल के 12 बजे तक 24 घंटे तभी होंगे ना। तो अभी मैं खा रहा हूँ छोले राजमा चावल। तो गाइस, खाना तो खा लिया, अब चलते हैं फिलहाल गाड़ी में। और एक कंबल और एक तकिया ले लिया मैंने अपने लिए। कितना मेरे वाला कंबल और तकिया, बाकी साइल और पीयूष अपना कंबल तकिया ले लेंगे, बाकी एडिटिंग के लैपटॉप चाहिए और कैमरा चाहिए अपने पास। चलो चलते हैं गाड़ी में। आप लोग का स्वागत है, क्योंकि आज मैं पाटने वाला हूँ 24 घंटा पाटने का चैलेंज। तो अभी पोपट हो जाता, अभी कुनाली ओरियो को कुत्ता, बाहर का बड़ा कुत्ता काट लेता, तो हम लोग को 24 घंटा हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता और भी बहुत कुछ हो जाता। तो सबको हेपको अब जाके हल्का हो जाओ, जितना पादना है बाथरूम में जाके पाद दो, हक दो। चलते हैं, हम भी चलते हैं तुम लोग के साथ। फाइट करेंगे रात को। देखो फेंक दिया, ये देखो। चलो भाई, और बाकी था मम्मी हंस रही है। अरे देखो ओरियो ओरियो बोलना भूल गया लग रहा, अब बोलेगा देखो अब बोलने वाला ओरियो ओरियो कर दो बंद। अरे बोलेगा बोलेगा देखो, रख दे वापिस आ गई। तो गाइस, गाड़ी में मस्त सामान भर लिया, सारे कंबल उम्बल तकिए हो गया। मेन चीज तो लाइन ही जो कल खरीद के लाए थे, ले ले उठा ला। तो शूट करने में हमारी हेल्प करने वाला दिव्यांश, ओरियो को बाहर मत ले, आ गया ना, बोला ना ओरियो, अब देखो पकड़ ले, हो गया। तो अभी गाइस, जैसे कि आपने देखा, ओरियो भाग गया था फिर से साहिल की गलती की वजह से। भाई तेरी गलती थी, तेरे को मना कर रहा था, मत ला मत ला मत ला, इतनी देर में तो भाग गया वो कहते कहते। क्यों बाहर जाएगा भाई, जाएगा? अरे इसको क्यों कर रहे हो, बाहर जाएगा, जाएगा बाहर, फिर बाहर में उसकी गलती है, इसकी गलती है, सही बात, जिसको लेके आ रहा है अपने साथ, सही बात, वो भी बिना बांधे। अभी हो जाता चैलेंज, लिविंग 24 आवर्स इन हॉस्पिटल हो जाता अभी, वही होता भाई, अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है इसको। भाई मेरे को तो इतना डर लग गया ना एकदम से, यार ओरियो पता नहीं क्या है, बड़े से कुत्ते भी ऐसे भागते ना ऐसे उसके पीछे। चलते हैं गाड़ी में, 24 घंटे बाद मिलते हैं आपसे। सुनो, एक बार गाड़ी में बैठ जाओगे ना, उसके बाद गाड़ी से बाहर मत निकलना, जाने से पहले वॉशरूम चले जाओ। मैं तो कर निकाल गया है, सुबह एक घंटा बैठा, ये भी बताना जरूरी, कदम रख दिया, चलो बाहर नहीं जा सकते। तो फाइनली तीनों भाई गाड़ी में आ चुके हैं, अब गाड़ी से बाहर नहीं निकलना और टाइम दिखाता हूं मैं गाड़ी में, मम्मी आ गई पानी लेके, थैंक यू मम्मी। मैंने कहा जहां भी ले जाएगा आराम से, ठीक है मां है यार, ख्याल रखना, टाइम से यहां जाना है। तो टाइम दिखाता हूं मैं आपको, 12:30 हो रहे हैं, तो कल 12:30 बजे तक हमको गाड़ी में ही रहना है। अब तो अब हमारा प्लान है जाने का नैनीताल, नैनीताल से ऊपर चलते हैं और पंगोट की साइड, मतलब पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे, और फिर रात को आते हैं। और गाइस, इस चैलेंज में कोई चीटिंग नहीं करेगा, बिकॉज हम चार लोग हैं, अगर कोई चीटिंग करेगा तो चल जाएगा पता। हम तीन भाई नहीं जा सकते, दिव्यांश भी है तो जा सकते हैं। तो अभी हम आए हैं डीजल भरवाने के लिए, तो पीना भी शुरू कर दिया, तो ये पीछे चैलेंज टूटने वाला था, मैंने कहा जा स्कैन करके आई हो, ये बाहर निकलता है चैलेंज टूट, मैंने ऐसे करा, मैंने कहा ये उतरने वाला था पीयूष। ये देख रहे हो सारा जगह, यह पादने का जगह है, मैं यहाँ पे पा दूंगा, आगे में पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जाके गाड़ धो लूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा। जाते जाते अरे सबको को बोल दिया हूँ, कुछ बोल दिया हल्का हो गया, साहिल को बोल दिया हल्का हो गया, कहा कि हम लोग को 24 घंटा तक गाड़ी में बिताना है, प्रेशर बन रहा है, देखिए मैं रह पाता हूँ कि नहीं, मैं कर पाता हूँ कि नहीं, लग रहा मैं चैलेंज जीत पाऊंगा कि। तो भी गाइस 2:30 बज चुके हैं, पूरे 2 घंटे हो गए हमको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है, मैं तो खाते खाते चल रहा हूँ ये देखो। अरे हाँ, ये तो खाते खाते चल रहे हैं बस। अभी फिलहाल हम पहुँच गए नैनीताल, तो ये है नैनीताल की मॉल रोड, अभी फिलहाल हम यहीं पे रुके हुए हैं। भाई कितना मस्त लग रही है मॉल रोड आज, बिल्कुल खाली खाली।
तो भी गाइस हम पहुंच चुके हैं नैनीताल के बिल्कुल ऊपर वाले पहाड़ पे। थोड़ा ओके 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 ऊपर चढ़ते आ रहे चढ़ते आ रहे ये बर्फ थोड़ी ना यार, ये अबे ये बर्फ नहीं है, ये जब वो है क्या बोलते हैं ब्लैक आइस है, ब्लैक आइस, ब्लैक आइस। कितना अच्छा जगह यार, सीन देख रहे हो यार, बहुत मस्त। 24 आवर का चैलेंज कर रहे हैं भाई, गाड़ी लगी रहा, उतरना पड़ेगा आगे। तो अभी गाइस 3 घंटे हो चुके हैं और अब कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा प्रेशर। तेरे को भी हो रहा है क्या? साहिल तेरे को हो रहा है? तो साहिल और पीयूष को तो नहीं हो रहा, मेरे को ही हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़ा सा डिब्बा लाना चाहिए था मुझे, वो डिब्बों में उस डिब्बे में ही कर लेते थे। <ने तुछ दारे। laughs> मुझे गाड़ी में बिताना है तो उसमें हगना पड़ेगा, मुतना पड़ेगा, तो मुझे किसी कोई ना कोई चीज चाहिए जिसमें हगूंगा मुतूंगा। तो मेरे पास ये हरिया है, मैं इस हरिया को गाड़ी में रख लेता हूँ, जब मुझे हगान हगने लगेगा पड़ने लगेगा तो दोनों चीज मैं इसमें कर लूंगा, तो बहुत ही अच्छा जगह है। जब भर जाएगा तो उसको मैं कहीं फेंक दूंगा, ये गाड़ी में ही डब्बा में ही कर मेरा मन भी कर रहे यहाँ पे घूमने का। कितना भोला सा, भूख लग रही है। मंकी कुछ चाहिए? नहीं नहीं चाहिए, पसंद वाला खजवा रहा है, चाट है। दे दो यार कुछ देना कुछ चाहिए, कुछ भी जो भी है दे दो, बिस्किट बिस्किट जो भी है दे दो, बिस्किट बिस्किट भुजिया नहीं बिस्किट। ये देखे देखते हैं खाता है तो भाई मेरे हाथ ना काट दे कहीं। अरे कितना क्यूट लग रहा है खाते हुए, इसके सिर पे क्या है ये, इसके सिर फूल बना हुआ है, बहुत क्यूट होते हैं यार, तो मैं पहली बार देख रहा हूं खाते हुए, बहुत अच्छा। कान खुजाते हो तो अभी गाइस रुके एक जगह से पार हो रहा था तो ढेर सारा शेर मुझे नजर आ गया। तो देखो गाइस कितना मस्त शेर है, मैं चलो आप लोगों को शेर दिखाता हूँ गाइस। तो मस्त सा गाइस कितना अच्छा है, लगता सिंह भी निकला हुआ है गाइस, शेर का सिंह भी निकला हुआ है गाइस। तो दिखाते हैं आपको शेर, सारा सिंह शेर है गाइस, ये देख रहे हो गाइस, सभी यहाँ पे शिकार के लिए आया हुआ है, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, बिकॉज 5 घंटे से भी ज्यादा हो गए मैं ड्राइव ही करने में, 2-3 घंटे तो थोड़ी कंबल वंबल रख लिए यहीं पे हमने, ठंड हो रही है यहाँ पे काफी ज्यादा गाइस। मुझे बस एक बात की खुशी है कि बदबू नहीं मार रहा। अरे वो तो भूल गया मैं, एक हाजमोला लेके आया है। तो अभी गाइस थोड़ी देर हमने यहाँ पे रिलैक्स किया, आप चलते हैं वापस हल्द्वानी की तरफ और कुछ खाते हैं, बिकॉज सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया, बस घर पे वही चावल वाले खाए थे। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू थैंक यू सो मच। तो अभी गाइस 6:14 हो चुके हैं और अभी हम आए हैं मैगी खाने के लिए, उसके बाद फिर हम सोसाइटी में ही रहेंगे पूरी रात। तो अभी फिलहाल थोड़ा रिलैक्स करते हैं, मैं सीट को पूरा पीछे कर लेता हूँ और लेट जाता हूँ। ओ भाई पूरी लेट जाती है? पूरी लेट जाती है। ओ भाई भाई रात को लेटने के लिए काफी सही है, देखो बिल्कुल सीधी हो गई है, तो मैं सो रहा हूं आराम से रात को, भाई इतना मस्त लग रहा है। तो पीयूष भी अपनी सीट बिल्कुल सीधी कर रहा है भाई, तो बिल्कुल तेरे लिए तो बिल्कुल कंफर्टेबल है भाई, वही तो। हाँ तेरी सीट पीछे जाती है, सही है गाइस। तीनों भाई ऐसे जाएंगे, मैं तो ऐसे जाऊंगा यहाँ पे और पीयूष ऐसे और साहिल ऐसे, सही है तीनों भाई को, सही है भाई। अपन तो ऐसे कर सकते हैं भाई, अपन तो होटल का खर्चा बता सकते हैं जब भी ट्रैवल करते हैं। हां हां यार मां सही बात है यार, ये तो गाड़ी लगी नहीं। मैं अभी चंदगुड़वा पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे अभी बैठे बैठ के रात के 12 बज चुके हैं और मैं अभी वीडियो एडिटिंग करूंगा और उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ। पीयूष सो गया है, साहिल भी सो गया है, मैं जगा हुआ हूँ और ये देख रहे हो गाइस ये चरघोड़वा मेरा 5-स्टार होटल जैसा है। मैं यहाँ पे बैठ बैठ के सो जाता हूँ क्योंकि सुबह सुबह उठना है, 24 घंटा और रहना, 12 घंटा और मुझे रहना है गाड़ी में चरघोड़वा पर, है ना भाई। बहुत स्पेस है इस गाड़ी में तो, होटल लग रहा है होटल। अरे मेरे फोन थे इसमें, दब क्या होगा पूरा नीचे। किस एंगल से लग रहा है गाड़ी है ये? हमारा 5-स्टार टेंट। हो पिछवाड़ा मत दिखा रहे अपना पिछवाड़ा। साहिब पापा अरे क्या कर रहे हो? मस्त है वाओ, क्या ये गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी नहीं है, ये टेंट है। मम्मी जी का फोन आ रहा है, मम्मी हम आधे घंटे में घर पहुंच रहे हैं, हमने तो गाड़ी को होटल बना दिया है पर। गाइस हमको तो लग ही नहीं रहा कि हम गाड़ी के अंदर हैं, मतलब इतना स्पेस है ना इसके अंदर, देखो मस्त हो सकते हैं हम तो आराम से भाई खेलेंगे, लेकिन एक ही दिक्कत है प्रेशर हो रहा है। तो
और मैंने तो यहाँ पर रख ली, देखो मैं ऊपर यहाँ पर बैठ गया मैगी यहाँ पर। लो भाई अपनी अपनी मैगी लो, दिखा लो। तो गाइस मैंने तो मस्त खा लिया मैगी, अब चलते हैं। आ चुका है, मैं खाऊंगा। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरा पेट हो गया खाली क्योंकि मैं सुबह से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये है मेरा मैगी, मैं इसको खा जाता हूँ, गुड़ 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 करके खा लिया सीधा। तो फाइनली गए सोसाइटी में पहुंच चुके हैं। कहाँ से आ रहे हो? हम नैनीताल गए थे, नैनीताल से ऊपर गए थे। 7 घंटे हो गए, प्रेशर बना हुआ मुझे। अभी गाइस रात के 7:49 हो चुके हैं और अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मैं जा रहा हूँ उसको करने के लिए घर के अंदर। प्रेशर मैं अभी तक कंट्रोल फटने वाला है, मतलब 6 घंटे से मैं कंट्रोल, 6 घंटा से प्रेशर बना हुआ था, अब जाके फटने वाला है। तो मैं जल्दी जाता हूँ करके आता हूँ, मैं तो हार गया। लेकिन इसको अभी तक नहीं आ रही, पता नहीं कैसा सीन है, और ना साहिल को, ये दोनों साहब जीत जाएंगे। चलो मैं जल्दी से जाके आता हूँ। कोई बात नहीं, सुबह तक तो आएगी तेरे को भी। बताओ मैं 12:30 बजे से पहले गाड़ी से निकला तो क्या दूं? यार देखते हैं। खाली करके आया, बोला था 1 घंटा तक प्रेशर एक खत्म किया। भाई अभी सिर्फ 7 प्रेशर को कम किया 1 घंटा तक सुबह। चलो गाइस मैं तो चलता हूं बाहर, मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा, जल्दी जाके। हां एकदम सही, हार गया मैं। ओलू ओलू भाई, जो सुकून मिल रहा है ना लाइफ में, कभी भी इतनी देर तक नहीं रोकी मैंने। तो गाइस गाड़ी अपनी मस्त यहां पे खड़ी है, साहिल और पीयूष तो अंदर ही है। मम्मी जी चाय बना के ले आई यहीं पे हमारे लिए, आईपैड चाहिए। चलो फिलहाल चाय पीते हैं, उसके बाद फिर डिनर आएगा, फिर मैं एडिटिंग स्टार्ट करूंगा, रात भर यहीं काटनी है अब तो। तो भी गाइस रात के 9:25 हो चुके हैं, मैंने एडिटिंग स्टार्ट कर दिया है। और बाकी देखो कितनी शांति हो गई यहाँ पे, साहिल अपने फोन में लगा है, पीयूष अपने आईपैड में लगा है, मैं अपने एडिटिंग में लगाऊँ। तो हाँ अब बस एडिटिंग कंप्लीट करूंगा, उसके फेस हो जाएंगे। सो गाइस अभी रात के 11 बज चुके हैं और अभी है सोने की तैयारी। तो अभी हमारा प्लान बना कि सरद यहाँ पर सोएंगे, मैं यहाँ पर, और सैलदा ने अपनी पूरी सीट, मतलब पूरी सीट रिजर्व कर ली, अभी यहीं पर सोएंगे। भाई सैलदा का पीछे बहुत कंफर्टेबल हो रहा है, आगे भी बहुत मस्त हो रहा है मेरे लिए। तो चलो पहले पूरी सीट लेटाते हैं, सैलदा कंबल लो। हम घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके गाड़ी में सो रहे हैं, घर बगल में है, घर नहीं जा रहे। चलो गाइस गुड नाइट, मेरे तरफ से भी आप लोगों को गुड नाइट, गुड बाय, गुड नाइट, लाइट बंद करो, बाय बाय। गाइस ये बदबू फैलानी शुरू कर दी इसने। अभी हमको 11 घंटे हुए गाड़ी में, अभी 13 घंटे और बाकी हैं। भाई मैंने 11 घंटे शूज भी नहीं निकाले, शूज भी अब निकाल रहा हूँ मैं। भाई इतना सुकून मिल रहा है ना पैरों को। मैं तो भाई लोअर पहन के आया हूँ, मस्त अपना कंफर्टेबल हो रहा है। आस पड़ोस वाले लिखेंगे क्या कहेंगे, कर क्या रहेंगे। हमारे पड़ोसी सोचेंगे इनको घर वालों ने निकाल दिया, भाई ये गाड़ी में रहे, इनको घर वालों ने निकाल दिया। नहीं, 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 हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हमारे घर वाले हमको निकाल दे तो हम गाड़ी में रह सकते हैं। वाह बड़े मम्मी देखेंगे ना, वो चप्पल मारेगी फिर सच में निकाल देगी। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी सुबह के 4:30 हो गए हैं, अभी मुझे उठाऊँ मैं, पता नहीं चला मेरी रात को कब नींद आई मुझे। मैं भी लेटा ऐसे 11 बजे और मैं सो गया, मैं थक गया था ना दिन भर काफी ड्राइव करा। तो गाइस मैं रात को चरगोड़गा पर वीडियो एडिटिंग करते करते सो गया, मुझे नींद आ गया था। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और थोड़ा देर सो जाते हैं क्योंकि बहुत सुबह है अभी, उसके बाद देखते हैं। फिलहाल सबके सब सो रहे हैं, पीयूष भी और साहिल भी। हाँ यार, तो अभी थोड़ी देर और सो जाते हैं, उसके बाद चले कहीं ड्राइव पे, बिकॉज चैलेंज तो 12:30 बजे खत्म होगा ना। तो अभी गाइस 6:30 बज चुके हैं, 2 घंटे और सो गया मैं, ये तो उठ ही नहीं रहा, ये तो सोए हुए हैं। तो फिलहाल चलते हैं कहीं गाड़ी लेके, उजाला हो चुका है बाहर। तो अभी गाइस पीयूष भी उठ चुका है, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग, आई नींद। 7 बज रहे हैं, पीयूष भी सो के उठ गया, साहिल भी सूट के उठ गया, अब हम लोग जाएंगे। और भी क्योंकि 7 बज रहा है, अभी 12 बजे 12:30 बजे तक मुझे गाड़ी चलाना है। तो गाइस देखते हैं कितना नींद आ रहा, फिर भी मुझे गाड़ी चलाना पड़ेगा, थक गए गाइस। हाँ मेरे को पता ही नहीं चला, मैं तो सुबह 12:30 बजे उठा, मेरे को तो पता ही नहीं चला ठंडी नहीं लगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो अभी गाइस साहिल भी उठ चुका है और इसने भी हार मान लिया है, इससे भी कंट्रोल है, इसको बहुत तेज टॉयलेट आ रही है, तो ये भी जा रहा है। भाई पीयूष जीत रहा है, जीत रहा है, जीत गया, जीत गया यार, जीत गया, जीत गया, मैं तो जा रहा हूँ अब करने के लिए, ये देखो, बाय बाय। मेरा बहुत प्रेशर बन गया था, मैं रोक नहीं पाया, मैंने जो हड़िया दिखाया था शुरू में उसी में डाल दिया, हड़िया को भर दिया मैंने अकेले अकेले ही भर दिया। तो देखते हैं कौन जीतता है, शायद पीयूष जीत जाएगा। वो उतर गया, गया भाई, क्या सुकून मिल रहा है यार। स्टंट दिखा दे, स्टंट, भाग गया। अबे यार जीत गया गाइस, 7 बजने वाले हैं, अभी तक ये गाड़ी से नहीं निकला है, मतलब एक बार भी ये नहीं गया टॉयलेट। तू नहीं आती क्या?
जबकि सबसे ज्यादा यही खाने में है पूरा टाइम, कभी क्या खा रहा है, कभी चिप्स खा रहा है, कभी क्या खा रहा है। अभी 5 घंटे बाकी हैं तो देखते हैं 5 घंटे में निकलता है नहीं निकलता। तो अभी गाइस तीनों भाई उठ चुके हैं अच्छे से, अभी फिलहाल हमारा प्लान है जाने का गाड़ी धुलाने के लिए। गाड़ी में बैठे बैठे हम बाहर से गाड़ी धुलाते हैं क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी हुई, कल हम पहाड़ पे ले गए थे। तो हाँ गाड़ी में बैठे रहेंगे और बाहर से गाड़ी धुलती रहेगी। तो अभी गाइस हमारे दिव्यांश के पास में क्योंकि हमको लग रही है भूख, तो उसको लेके चलेंगे साथ में और कुछ खा लेंगे। अच्छा तीनों गेम में अभी तक हाँ हम रात भर यहीं थे। नहीं नहीं गेम में तो नहीं, हम नहीं रात भर यहीं थे। हम गेम में तो पीयूष है, बस अब पीयूष जीत गया, पीयूष जीत गया। मैं भी चला गया एक बार। कांग्रेचुलेशंस ब्रो, अरे अभी तो गया नहीं है यार एक बार भी, वही बैठे हैं। तो अभी गाइस हमारे मस्त छोले समोसे आ चुके हैं, खाएगा समोसा? नॉर्मल समोसा, वही इतना खा पी रहे तेरा जा कहाँ रहा है? ये ना यहाँ से जा रहा है फिर पता नहीं हवा। अब धुलाते हैं, हम तीनों गाड़ी के अंदर रहेंगे ऐसे धुलाएंगे, ऊपर चढ़ा तो दिया। तो अभी गाइस सोसाइटी में आ चुके हैं और 11:30 हो रहे हैं, सिर्फ 1 घंटा बाकी है, लेकिन ये 1 घंटा निकल नहीं रहा है, इतनी देर हो गई है। ये देखो उतरने वाला, उतर जा जा, पैरों में पसीने आ रहे हैं। तो अभी गाइस सिर्फ 1 मिनट बाकी है 12:30 बजने में, हमारा चैलेंज पूरा होने वाला है, होने वाला है और प्रेशर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो फाइनली गाइस चलो अब रखते हैं पैर को बाहर, एक ही बार उतरा था मैं वो भी वॉशरूम के लिए, मुझे सुकून मिल रहा है भाई, ऐसे पैर भी होते हैं हमारे चलने के लिए। आइए सर उतरिए, आवाज़ तो जोर की लगी है। रुक जा भाई। तो फाइनली गाइस हमने 24 आवर्स इन कार चैलेंज कर लिया है जिसमें पीयूष जीत चुका है, क्योंकि ये छोटा है ना इसको आई नहीं वॉशरूम वगैरह। एक घंटा तक था बाथरूम में तो क्या होगा, सब तो खाली हो गए। कुछ देंगे देख, वो अब नेक्स्ट लोग देखने को किसको क्या इनाम मिलेगा। चलो फिलहाल अब जाएंगे जल्दी से आगे भाग जा। तो आई होप गाइस आपको ये चैलेंज पसंद आया होगा और कमेंट करके बताना आपको और कौन कौन से चैलेंज चाहिए, हम तीनों भाई करेंगे मस्त मस्त चैलेंज। और एंजॉय किया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट चैलेंज में, नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया होगा, तो फिर मिलेंगे इससे भी खतरनाक वीडियो के साथ, इससे भी मजेदार वीडियो के साथ, इससे भी झकाझकी और इससे भी फटाफट वीडियो के साथ। इस चैनल पे नए हो तो आगे बोलने का जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हो, कर दो। बाय बाय।